रहेगी आगे क्या, किस तरीके से काम करेंगे? 40 साल से शासकीय सेवा में कर्मचारियों की मैंने सेवा किया था। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की और आम जनता जो दोनों पार्टी से बहुत परेशान है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार में जो स्थिति है, कोई ईडी में और कोई सीडी में मस्त है, छत्तीसगढ़ की जनता पस्त है। तो छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा, चूँकि मैं शुरू से सेवा भाव से जुड़ा हुआ था, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। उनकी जो समस्याएँ होंगी उसका मैं निराकरण करूँगा। और आदरणीय संजीव झा जी और हमारे उपेंडी जी और जितने भी यहाँ के पदाधिकारी, उन सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए ये संकल्प लेता हूँ आज आप लोग सामने में कि आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय भगवंत मान जी के जो उद्देश्य हैं, जो काम है, उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। देखिए, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और 35,000 लोगों के नियमितीकरण की बात कर दी। आज दोनों पार्टी छत्तीसगढ़ में 12 साल से नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बल्कि सेवा से समाप्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सेवा भाव से मैं ज्वाइन किया हूँ और मुझको उम्मीद है कि मैं अपने कर्तव्य में खरा उतरूंगा। विजय कुमार झा, चुनाव लड़ने की भी आपकी प्लानिंग है? नहीं, अभी चुनाव वगैरह लड़ने की नहीं, अभी तो केवल सेवा करना है। और हमारे नेता लोग जो आदेश देंगे, सब जगह झाड़ू लगा देंगे, ये बात निश्चित है। और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ झाड़ू लगा करके सबको साफ करेंगे।